ठीक है। तो अब जो है हम लाइबफ का कैरेक्टर देखते हैं कि लाइबफ का कैरेक्टर जो है लाइबफ रेवेंसकी, जिसको मिस रेवेंसकी या मैम रेवेंसकी भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि लाइबफ का कैरेक्टर जो है वो क्या शो करता है इस पूरी कहानी में। पहले मैं इसको रीड आउट करती हूँ एंड फिर मैं आपको इसका क्रिटिकल एनालिसिस करके देखती हूँ। कहानी उसी तरीके से है, सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसके अंदर बिहेवियर्स हैं, लोगों के एटीट्यूड्स हैं, और एक मॉडर्न वर्ल्ड और एक प्रीवियस वर्ल्ड उसका आपस में क्लैश है। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू ट्रेडिशंस का आपस में क्लैश दिखाया गया है, उसका कंपैरिजन दिखाया गया है। ओल्ड माइंड एंड न्यू माइंड, यानी कि ओल्ड ट्रेडिशन एंड न्यू ट्रेडिशंस या कन्वेंशन एंड सोसाइटी, ठीक है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे उसके सोसाइटी के सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज जो हैं उनको रेज किया गया है कि सोसाइटी के सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज क्या हैं, और ऑन द अदर हैंड सोसाइटी का बिहेवियर क्या है, क्या सोसाइटी वाकई ही चाहती है कि हमारे हालात चेंज हो जाए, और अगर वो चाहती है तो वो फिर किस तरह से बिहेव करती है। यानी कि हर इंसान जो है वो किसी मौजे के इंतजार में है कि कुछ ऐसा होगा, कोई एक इंसान आएगा मेरी जिंदगी में, या कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा और फिर मेरी जिंदगी पलट जाएगी, और खुद से कुछ नहीं करना, और हमारे पास एसेट्स होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सकते, और जो आगे नहीं बढ़ता उस इंसान का फिर फाइनली क्लैश होता है। यहाँ पे लाइबा रेवेंसकी जो है दैट इज द कैरेक्टर जिसका जो है एक डाउनफॉल दिखाया गया है। शी इज रिप्रेजेंटिंग एन एरिस्टोक्रेटिक क्लास, द इम्प्रैक्टिकल क्लास, जो कि जिसके सामने उनके सारे प्रॉब्लम्स थे, उनके सॉल्यूशंस भी थे, बट बिकॉज उन्होंने मॉडर्न जो एरा है उसमें होने वाली चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, दे हैव नो माइंड ऑफ एक्सेप्टेंस, बल्कि वो उसी लग्जरियस लाइफ जिसके वो आदि थे, जो उनकी हैबिट्स थी, वो उनको जो है वो छोड़ नहीं सके। इधर मैं आप लोगों को एक कोट लिखवाऊंगी, हैबिट इज डेड इनर। ठीक है, इंसान जो है, जो हैबिट होती है ना, इंसान हैबिट पे जीता है। यहाँ पे एक लग्जरियस फैमिली है, एक ऐसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है जिसको लग्जरियस लाइफ गुजारने की आदत है, जिनका प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड है, वो हर चीज को देख के उसमें प्लेजर तो सीक करते हैं, लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करते, अब उसको बचाने की कोशिश नहीं करते, हर वो चीज जो उनको सूद करती है। दैट इज द सेम केस विद द रेवेंसकी फैमिली, या लाइबा रेवेंसकी को अगर हम देखें तो दैट इज द सेम कैरेक्टर, एंड दिस इज द फॉयल कैरेक्टर ऑफ लुपैकिन। ठीक है, लाइबफ का जो कैरेक्टर है वो एक फॉयल कैरेक्टर है लुपैकिन के कैरेक्टर के साथ। ऑन द अदर हैंड हमने ये भी देखा कि ये जो है फॉयल कैरेक्टर है ट्रॉफीमोव का भी। ठीक है, ट्रॉफीमोव और लुपैकिन, लेकिन ज्यादा जो फॉयल कैरेक्टर है ये लुपैकिन का है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे है डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ लाइबफ इन द चेरी ऑर्चर्ड, और फिर डिस्कस हैबिट इज डेड इनर, डेड इनर, DEAD, डेड से डेड इनर, डेडी नर लिखें, DEAD, ENER, हैबिट इज डेड इनर। ठीक है, ये वेटिंग फॉर गॉडो जिसने लिखा था ना, राइटर क्या नाम है उसका, दिमाग से निकल गया। तो वेटिंग फॉर गॉडो के राइटर ने कहा था कि हैबिट इज द डेड इनर, इंसान अपनी हैबिट पे जीता है। ठीक है, 30 साल तक जो है हम जो कर रहे होते हैं ना वो हमारी हैबिट हो जाती है। हम कहते हैं ना 30 साल बाद जाके नमाज पढ़ेंगे, 40 साल बाद जाके नमाज पढ़ेंगे, वो 40 साल तक आपकी हैबिट्स पक्की हो जाती है, उसके बाद वो नहीं होता। मैंने अभी रिसेंटली किसी को कहा कि बेटा आओ नमाज की तरफ, कुरान की तरफ, तो आगे से कहती है बाजी शादी हो जाएगी ना उसके बाद चेंज हो जाएगी। मैंने कहा शादी के बाद तो बेटा तुम्हें टाइम ही नहीं मिलना है, ऐसे तुम्हें बच्चों ने और ससुराल ने घुमाना है, तुम्हें तो टाइम ही नहीं मिलता। तो बेसिकली क्या होता है उसके बाद, हैबिट इज डेड। यस, सैमुअल बेकेट, सैमुअल बेकेट ने कहा था हैबिट इज डेड इनर। ठीक है, तो हम इंतजार कर रहे होते हैं कि शादी होगी तो सर पे दुपट्टा आएगा, तो फिर नमाज पढ़ेंगे, तो फिर नेक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इंसान की एक हैबिट होती है और वो उसी पे जीता है। बाज लोगों का चेंजिंग एटीट्यूड होता है, बाज लोगों का जो है वो यही होता है कि जी बस आप दुआ कर दें हमें हिदायत मिल जाए। तो लाइबा रेवेंसकी का बिल्कुल यही वाला एटीट्यूड था, जी आप दुआ कर दें कि मैं बचूं।
तो दैट इज द थिंग जो यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है. तो डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ लैबव इन द चेरी ऑर्चर्ड, डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ लैबव. लैबव का एक और भी क्वेश्चन पास्ट पेपर में आया हुआ है, वो ये है कि भाई लैबव जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि इम्प्रैक्टिकल कैरेक्टर था. वो चाहती थी अपना अपनी जिंदगी को बदलना, लेकिन वो अपनी जिंदगी बदल नहीं सकी, यानी कि वो चेरी ऑर्चर्ड को बचा नहीं सकी. वाई, क्यों ये कैरेक्टर जो है वो चेरी ऑर्चर्ड को नहीं बचा सका, हालांकि ये तो बड़ी बहुत ज्यादा आई ही ये रशिया इस वजह से थी. फ्रांस से रशिया क्यों आई थी बेसिकली, वो इसी वजह से आई थी ना कि उसको चेरी ऑर्चर्ड को अपनी स्टेट को बचाना था, लेकिन वो अपनी स्टेट को क्यों नहीं बचा सकी फिर, ठीक है. तो यहाँ पे देखें कि जागीर ठीक है. एक एस्केपिस्ट थी, जैसे हमने जॉन कीट्स के बारे में पढ़ा था कि भाई जॉन कीट्स जो है वो एस्केपिस्ट है. एस्केपिस्ट कौन होते हैं? जो रिफ्यूज सीक करते हैं इन द स्वीट मेमोरीज और इन द इमेजिनेशन, और एक आइडेलिक वर्ल्ड के अंदर वो चले जाते हैं और वहां जाके वो रिफ्यूज हासिल करते हैं और वो रियल लाइफ से भागते हैं, ठीक है. रियलिटी ऑफ लाइफ से वो भागते हैं और वो रिफ्यूज कहाँ पे हासिल करते हैं? जहाँ पे उनको सॉलेस मिलता है. तो सेम इज द केस विद द लाइबरमेंस की. अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ चेरी ऑर्चर्ड एक्सपोजेस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लैबव पर्सनैलिटी. शिकव हैज प्रेजेंटेड हर एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर. और क्रिटिकल स्टडी चेरी ऑर्चर्ड की वो क्या है, एक्सपोज करती है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लैबव पर्सनैलिटी. शीकव हैव प्रेजेंटेड हर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर, ठीक है. शीकव ने उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर जो है वो शो किया है. बाय द एंड ऑफ द 19th century एरिस्टोक्रेसी वॉज फास्टली लॉसिंग ग्राउंड एंड वॉज गोइंग टू बी रिप्लेस बाय अ न्यू सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है. अब 19th century के एंड पे क्या हुआ था कि ये एरिस्टोक्रेसी जो है, ये जो फ्यूडल तबका है, ये जो जागीरदाराना तबका है, इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था. और फिर बट शी इज इनकैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एनी सोशल चेंज इन रशिया. लेकिन वो जो है अब वहां पे तो भाई सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा था और यही इसकी मेन थीम है, ठीक है. तो बट शी इज इनकैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एनी सोशल चेंज. लेकिन वो जो है इनकैपेबल थी, पुरानी सोच की मालिक थी, इस वजह से उसके अंदर एक्सेप्टेंस लेवल ही नहीं था कि वो जो चेंज इन रशिया जो है उसको एक्सेप्ट कर सके. शी नोज इट वेरी वेल दैट हर स्टेट इज हैवली मॉर्गेज. उसको पता था जी अच्छा खासा वो उसके ऊपर टैक्सेस लग चुके हैं उसकी स्टेट के ऊपर. एंड इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू पे ऑफ इवन द इंटरेस्ट ऑन द मॉर्गेज. यहाँ तक कि वो जो सूद उसके मॉर्गेज के ऊपर लगा था, वो जो उनकी टैक्सेस थे जो कि उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर लगे थे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था, इवन वो उसको भी नहीं पे कर सकती. बट शी डज नॉट चेंज हर एरिस्टोक्रेटिक मैनर, ठीक है. वो अपने कर्जे तो नहीं उतार सकती थी, लेकिन उसके एरिस्टोक्रेटिक मैनर्स भी जो है वो चेंज नहीं हो रहे थे, ठीक है. गरीब बंदा है ना, उसने मोबाइल जरूर खरीदना, बेशक उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो, ठीक है. तो दैट इज द थिंग कि हमारे हमारे हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि भाई अब हमारे वो हालात नहीं है. वी हैव टू चेंज फॉर द टाइम बीइंग. और उसमें फिर हमारे घरों में भी अक्सर इस तरह से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं. जैसे ही वो कहते हैं ना कि बीवी को पहचानना हो तो उस वक्त पहचाना जाता है जब शोहर के हालात खराब होते हैं, यानी कि उसका बिजनेस डाउन जा रहा होता है ना, फिर बीवी का पता चलता है. और शोहर का तब पता चलता है जब बीवी बीमार होती है, बीमार बीवी की वजह, ठीक है, कि वो कितना साथ देता है. तो जब बीवी होती है वो सोशल क्राइसिस में पता चलता है कि वो अपने शोहर का कितना साथ देती है. तो वी गेट स्टिक टू, तो वो क्या थी, वो अपने नॉर्म्स तक ही जो है वो स्टिक रहती है. तो हम भी इसी तरह से अपने नॉर्म्स और ट्रेडिशन तक स्टिक रहते हैं, चाहे फिर वो हमें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा सके, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए इस पूरे स्टैंडा के अंदर, सबसे पहले तो ये फ्यूडलिज्म जो है
वो खत्म हो रही थी, ठीक है, और इसकी जगह कौन ले रहा था, इंडिविजुअलिज्म वॉज अपेयरिंग, ठीक है, कि इंडिविजुअल ह्यूमनिज्म सबको लिबरेट कर दिया गया था, वो सामने आ गए थे। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो है लाइबर्व जो है वो अपना एटीट्यूड या ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करती। हर फर्स्ट नेम लाइबर्व मींस लव इन रशिया। शी सीम्स टू पर्सोनिफाई लव विद हर जेनरोसिटी एंड मैग्नानिमिटी। She is kind-hearted, gentle, affectionate, sincere for all. She even adores her adopted daughter, Varya, behaves courteously with her servants. ठीक है, वो उसको बहुत adore करती। She has a large family to support, which proves that she is a lady of generous nature. Her brother Gave is an ये gear लिखा हुआ है, basically that is Gayev. Gave is an irresponsible person with eccentric habits. Varya, her adopted daughter, is an apex of her youth. She is marriageable. She is in marriageable age. Her own daughter Anya is also growing younger. The family servants Yasha, जो के represent करता है modern world को, ठीक है, ये वो सर्व है, ये वो servant है जो represent करता है modern world को. On the other hand, Fitz, Fitz जो है वो इसका ही जो है दादा होता है, और ये दोनों old and new को, Fitz is representing the ट्रेडिशनल वर्ल्ड, द ओल्ड वर्ल्ड और ओल्ड ऑर्डर को शो कर रहा है, और याशा जो है वो न्यू ऑर्डर को शो कर रहा है. एंड मेनी अदर कैरेक्टर ऑल्सो डिपेंड ऑन हर. ऑल दिस कैरेक्टर आर अटैच इन वन वे और द अदर टू हर. शी टेक्स केयर ऑफ देयर नीड्स, समटाइम्स शी इवन ट्राइज टू पैम्पर देम. शी थ्रोज हरसेल्फ फ्रॉम द स्काई टू अर्थ सिंपली बिकॉज ऑफ हर लैविश हैबिट. अपनी लैविश हैबिट्स की वजह से उसका डाउनफॉल होता है. इन एक्ट फोर व्हेन गिव advises her to keep a strict control over her purse, she replies, I cannot help myself, I could not help it. ठीक है, यानी कि उसको जब भी कोई इंसान समझाने की कोशिश करता है तो वो उसकी सुनती नहीं है, क्योंकि वो बात फिर वही होगी ना कि habit is deadener. ठीक है, हम जो है वो आदत से मजबूर होते हैं. ठीक है, हमारी आदत है, एक इंसान की आदत है ना, उसने गम में भी खुश रहना तो वो आदतन खुश रहता है. ठीक है, इसी तरीके से एक इंसान है वो वैसे ही बेचारा पैसिमिस्ट होता है, जरा सा उंगली भी कट जाएगी तो वो हाय उंगली कट गई, तो वो आदतन बेचारा जो होता है ना वो परेशान ही रहता है. कुछ लोग आदतन परेशान होते हैं, उनके इतनी परेशानी होती नहीं है, और कुछ लोग आदतन खुश रहते हैं हालांकि उनकी घर में इतनी खुशी कोई नहीं होती, लेकिन क्योंकि उनको हैबिट होती है खुश रहने की, तो इस वजह से वो फिर खुश ही रहता है. तो वो यहाँ पे क्योंकि उसको आदत थी कि वो लेविश हैबिट्स की आदि थी, और हर वक्त वो एक्स्ट्रावेगेंसेस की आदि थी, इस वजह से वो कहती है कि भाई मैं चेंज नहीं कर सकती अपने आप को. ठीक है, इम्प्रोविडेंस एंड केयरफ्री नेचर आर टू मेजर ड्रॉबैक्स इन हर कैरेक्टर. तो इम्प्रोविडेंस और केयरफ्री नेचर जो है वो दो मेजर ड्रॉबैक्स हैं उसके कैरेक्टर में, एज पीपल ऑफ फ्यूडल क्लास जनरली है. जैसे कि फ्यूडल क्लास के जिम्मेदारों के जो है जिस तरीके से उनके केयरफ्री नेचर होती है, इम्प्रोविडेंसेस होती है उनकी, केयरफ्री नेचर होती है फ्यूडल क्लास की, इसी तरह इनकी. नाइदर शी हैज मेड एनी प्लान अगेंस्ट द रेनी डे नोर इज शी अपसेट एट द प्रेजेंट फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है, उसने कोई सुख और दुख की कोई तैयारी नहीं की हुई थी, उसको कोई फिक्र नहीं थी. शी स्टिल स्पेंड्स मनी एज बाउंटिफुली एज एवर. शी हैज फेस्ड ट्रेजेडी मेनी टाइम्स इन हर लाइफ. हर हस्बैंड डाइड ऑफ शैंपेन. हर लिटिल बॉय वॉज ड्राउन. Laiba seems to eat her heart out and sobs over the death of her only son by drowning in the river in his childhood. She tries to poison herself when she meets Trofimov, the teacher of her son. She cries in these words, my Grisha, my boy, my little boy was drowned by. Acha ji, phir jo hai she falls in love with someone who falls sick. She nurses him day and night, but he robs her. ठीक है, फिर वो एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठती है जो कि बीमार होता है, और वो फिर उसको धोखा देता है. He deserted her and starts living with another woman. Her love for aesthetic beauty has been manifested through her love for cherry orchard. Aesthetic beauty क्या होती है? Love for aesthetic beauty. ठीक है, आप चीजों की खूबसूरती में खो जाते हैं. लाइक अगर वो लोग जो है अपना पियानो देखते हैं तो उसमें उनको खूबसूरती नजर आती है, वो अगर अपना बुक शेल्फ देखती है तो उसमें खूबसूरती, द चेयर
चेरी ऑर्चर्ड, वो जिस चीज को देखती है उसकी वो फ्रेजिंग शुरू कर देती है, हर एटीट्यूड एंड अटैचमेंट विद चेरी ऑर्चर्ड इज आल्सो कॉन्स्पिशियस, शी डज नॉट वांट टू लूज इट एट ऑल. ऑन हियरिंग अबाउट इट्स ऑक्शन शी बिकम मोर शी बिकम्स डाउन इन अ डंप. She is forced because the sale of cherry orchard has become a necessary evil. There is no way out to pay off the heavy debt. ठीक है, अब ये necessary evil था और फिर जो है उनके पास कोई चारा नहीं था उन debts को अदा करने का, बजाय इसके कि वो cherry orchard को sale कर देते. Her last words for cherry orchard are unforgettable. Oh my dear, my gentle, beautiful orchard, my life, my happiness, goodbye, farewell. To wind up her character, we can say that she was the true representative of aristocracy in Russia in the last decades of the 19th century. और अगर हम इसको wind up करें उसके character को, तो हम ये कह सकते हैं कि वो true representative थी aristocracy की Russia में और in the last decades of 19th century. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि वो रिप्रेजेंट करती है एरिस्टोक्रेसी को और एक फ्यूडल क्लास को. नंबर टू, वो जो फ्यूडल क्लास थी वो किस तरह की थी, वो आधी थी फजूल खर्ची की, इम्प्रैक्टिकल वे था, उनका चेरी ऑर्चर्ड सेल होने वाला था लेकिन उन्होंने उसके लिए कोई भी, जिसे कहना चाहिए एक कोई भी तैयारी नहीं की हुई थी. ठीक है, तैयारी तो थी, इवन पैसे भी उन्होंने लैंड किए थे, उनकी कोई आंट थी यरूशलेम में जो जिसने उनको पैसे भेजे थे, लेकिन लाइबब ने क्या किया कि वो अपने नेबर को दे दिए थे. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने इसमें लिखने हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग है. पहले तो वो जो उसका नेबर उससे पैसे मांगता है, जो उसका जो खुद लैंडिंग मनी का आदि होता है, तो लाइबब उसको पैसे दे देती है. नंबर टू, एक बेगर आता है, लाइबब उसको पैसे दे देती है. नंबर थ्री जो है, ट्रेजेडी कब होती है, जब बजाय इसके के लाइबव जो है वो पैसे इकट्ठे करती, वो एक पार्टी अरेंज करती है. क्यों पार्टी अरेंज करती है, क्योंकि उसका एक प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड होता है और बाहर जो है वो कुछ म्यूजिशियंस आते हैं, फ्रेंच म्यूजिशियंस होते हैं, तो वो जो है उनको स्पेशली उनको बुलाती है और उनको कहती है कि तुमने मेरी पार्टी में जो है म्यूजिक जो है उसको बजाना है. ठीक है, हमने जो कल समरी में ये कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, हम इसको देखेंगे. और उसके बाद बजाय इसके कि वो नेक्स्ट डे के ऑक्शन की तैयारी करती, वो सो जाती है. ठीक है, तो हाँ, ये सारे फिर उसका जो बिहेवियर था टुवर्ड्स चेरी ऑर्चर्ड और उसके घर की तरफ के, जब वो अपने घर को देखती है, नर्सरी को देखती है या चेरी ऑर्चर्ड को देखती है, तो सिवाय वो उसकी प्रेस के और कुछ नहीं करती. फिर इस हद तक वो इम्प्रैक्टिकल होती है कि एज अ मदर उसका बिहेवियर कैसा था कि वो अपने तीनों बच्चे, तीन बच्चे कैसे, एक एनिया थी, एक वैरिया थी और फिर उसका जो अपना बेटा ग्रीशा होता है जो कि ड्राउन हो जाता है, वो एक ऐसी मदर थी जो कि बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल सी मदर थी जिसके अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. वैरिया जो कि जवान हो चुकी होती है, एनिया भी जवान हो चुकी होती है और एनिया जो है वो इन्वॉल्व होती है ट्रॉफी मॉब में, बट शी नेवर एवर केयर्स कि वो किसके साथ जा रही है और किसके साथ नहीं जा रही. नंबर टू, वैरिया जो होती है वो अपनी शादी की एज में होती है, तो जब गेव ये कहता है कि भाई वैरिया की शादी जो है अगर हम लोपेकिन के साथ करते हैं तो शायद ये स्टेट बच सकती है, लेकिन इसके ऊपर भी लाइबव जो है कोई रोल प्ले नहीं करती और वैरिया एट द एंड जो है वो अनमैरिड ही रह जाती है. और रही बात ग्रीशा की, तो वहां पे भी एक मदर की इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो हो रही है, एक ऐसी मदर जो खुद तो टीच नहीं करती अपने बच्चे को और वो जो है उसका ट्रॉफी मॉब उसको टीच करता है एंड फाइनली उसकी नेग्लिजेंस की वजह से वो बच्चा जो है वो ड्राउन हो जाता है. उसका जो सेकंड हस्बैंड होता है, शी इज सो मच इररिस्पॉन्सिबल और उसका इतना प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड होता है कि वो एक ऐसे शख्स के साथ टाइम स्पेंड करती है जो कि उसको बिल्कुल ही बर्बाद कर देता है, जो रहा सहा होता है वो भी उसका खत्म हो जाता है. और हमें ये कहाँ से पता चलता है, स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्ट में जब एनिया बताती है वैरिया को कि भाई मदर जो है वो जब मैं पहुंची हूँ अपनी मदर के पास तो लोग जो हैं वो उनको ब्लेम कर रहे थे, उनकी तजलील कर रहे थे और जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा डेब्ट्स हैं,
तो इस चीज को देख के हमें अंदाजा होता है कि एक्चुअली उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, कोई भी ऐसा उसका बिहेवियर नहीं था जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि वो अपनी चेरी ऑर्चर्ड को बचा सकती। ठीक है, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अपने लाइफ पैटर्न को चेंज नहीं करती जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। सो इट इज द ट्रेजिडी, और ट्रेजिडी में इसमें मेन जो कैरेक्टर है वो लैबअफ का है। लैबअफ इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, और ये इनका सबका डाउनफॉल होता है। ये कुछ बेटा पॉइंट्स हैं, ये आप आज ऐड कीजिएगा, और आज आपका जो असाइनमेंट है दैट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ लैबअफ।